तो जब सबर करो उत्तराखंड वालों, थोड़ा श्योर हो जाए। हर चीज में करियर है, तो फुल ऑन करियर है और ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे काम करते रहो। मतलब क्रीम पाउडर की तो ऐसी वाइब है, वो कभी थोड़ा श्योर हो जाए। हे मधु और हलवाने के लिए लिखा जाता है कि भूखिया पड़ाव पर फूलदारी ताकि गुंजा रहे तब के अब के हलवाने में न जाने कितना बड़ा हलवा है। और उस परिवर्तन का एक छोटा सा उदाहरण हम आमंत्रित करने जा रहे हैं श्री हरीश भट्ट और श्रीमती हेमलता भट्ट। और उसके गाने बहुत प्रतिष्ठित लोग गाए थे, जीवन बिजली भी उसमें शामिल थे, राजीव जी ने शामिल थे। और मुझे कहा गया कहानी लिखो, कहानी मैंने लिख दी थी, लेकिन जब मैंने विलन का रोल देखा तो मुझे लगा कि बहुत प्रतिभाशाली विलन है। मुझसे प्रोड्यूसर्स ने कहा कि इसका रोल दो तीन पन्ने और बढ़ा दो, और वो विलन इतना प्यारा विलन है। हरीश भट्ट जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्यारे विलन का। आपका बहुत बहुत आभार। इतना प्यारा माहौल, एक बहुत प्यारा गाना है मैम। एक सवाल है, जो आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए क्या कहेंगे, कितना करियर है यहाँ माताओं बहनों का, जो जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया में काम चल रहा है, हर चीज में करियर है। और ना डांस में बताइए आप, क्योंकि डांस में तो फुल ऑन है करियर, तो सब लोग खुद अपना खुद से बना रहे हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो लड़कियां कर रही हैं, महिलाएं कर रही हैं, तो फुल ऑन करियर है। और ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही काम करते रहो, आगे बढ़ो। तो आप देख सकते हैं हमारे जो उत्तराखंड के फेमस डांसर श्वेता मेहरा जी से बातें हुई और उन्होंने बताया कि आपका किस तरह से यहाँ पर करियर है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्वेता मेहरा जी आ चुके हैं स्टेज पे, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में ये कुमाऊं द्वार महोत्सव यहाँ पर हो रहा है 2024 का। श्वेता मेहरा जी उत्तराखंड के प्रसिद्ध यहाँ पर आ चुके हैं, प्यार देना है तो एक बार उत्तराखंड वाला शो मैनेजर ने दिखाई नहीं दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। राइट लेफ्ट बैक से फ्रंट से बीच में जितना रुक जाओ, सबर करो उत्तराखंड वालों, थोड़ा श्योर हो जाए। क्या बात है, तो बैक टू बैक परफॉर्मेंस होगी, अभी और भी सिंगर्स हैं उनका हम वेट करते हैं आने का। और क्रीम पाउडर देखने किसी को, मतलब क्रीम पाउडर की तो ऐसी वाइब है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। हे मधु, बिल्कुल आपके जितने भी सवाल हैं मैं उनका जवाब अभी दूंगा, बस अनुमति लेके जब सर सहज अनुभव करेंगे उनका भी एक छोटा सा गीत हम रखेंगे। हरीश और हेमा अगर तैयार हैं पर्सनैलिटी है सर, मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ, काफी इंस्पायर हूँ आपसे मैं, तो एक बार थोड़ा शोर हो जाए। थोड़ा सा 90s की तरफ चलते हैं, टक 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 लगाए पहले समूलू का गाना बुलाए डीजे। तो आप सभी को डांस करना है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है? आप लोगों ने दिया और क्या एनर्जी थी। सब लोग अपना फोन लेकर आए, फ्लैश लाइट ऑन करेंगे और कुमाऊं महोत्सव की जो शान है और बढ़ाएंगे, तो एकदम दिवाली लगनी चाहिए। फ्लैश लाइट ऑन कर लीजिए। अरे वाह, जितने फ्लैश लाइट ऑन करिए गोवा का पैकेज मिलेगा सबको। चलो ऑन करो पीछे से भी,
राम के नाम पे तो करोगे ना, जय श्री राम। अभी भी ढीट लोग हैं यहाँ पर, फ्लैश लाइट ऑन कर लो। आवाज नहीं आई भाई, आवाज नहीं आई, यहाँ से नहीं आई। खुशी जी को मैं सीधे बुलाना चाहूंगी, प्लीज आइए। हम दोनों एक ही जगह के हैं, दोनों का मायका एक ही है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करा, और गोविंद जी भी अगर देखने कहाँ चले गए। आइए आइए प्लीज एक बार, हम सब जीजा जी आइए आइए। ओके, हम सब एक साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा दोबारा आके। और आप सभी के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, थोड़ा शोर हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले ही गीत से बहुत बता दी थी, लेकिन अब नितेश रिकॉर्ड किया था गीत आपके यहाँ, बहुत सुंदर गीत। अगर आप लोगों ने कुमाऊं द्वार महोत्सव को लाइव देखा है, कैसा लगा कमेंट जरूर करेगा, और साथ साथ में शर्मिला डायरी को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू। अच्छा, सो मच। और आप, आपका क्या नाम? हमारा भी नाम का है। अच्छा, कोई नाम नहीं है। तो देखिए गाइस, बहुत सारा एक वीडियो वायरल हुई है, लाख से ऊपर आपने देख लिया है, बहुत बहुत प्यार बना रहे हैं, ऐसी मतलब लाखों में व्यूज आए, ये कामना के साथ आप लोगों का बाय बाय।